दोस्तों आज हमारे पास आया हुआ है होंडा एक्टिवा BS6 जिसको 6G बोलते हैं। वो क्या होता है, इसकी लेटर है जिससे आपने देते हैं, देने के बाद जब आप छोड़ोगे रिटर्न नहीं जाता है, जाम हो जाता है। जाम होने का रीज़न ये होता है कि उसका केबल होता है वो ख़राब हो जाता है। केबल चेंज करने का ये वीडियो के अंदर आपको तरीका बताऊँगा केबल कैसे चेंज किया जाता है। जैसे नया बंदा अगर कोई केबल चेंज कर रहा है उसको नहीं मालूम है, तो हमारे वीडियो थ्रू से आप बहुत इजी से केबल को चेंज कर सकते हो, नया केबल आप उसको डाल सकते हो। अभी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, अभी वीडियो देखिए शुरू से लास्ट तक। होंडा एक्टिवा 6G गाड़ी है, इसका आज स्केलेटर जो केबल होता है वो चेंज करने का तरीका बताऊंगा इसके अंदर, कौन से केबल किधर बैठता है, कौन से केबल किधर बैठता है वो भी बताऊँगा इसके अंदर। इसमें दो केबल आता है स्केलेटर केबल। अभी आप सोच रहे होंगे, अभी देखो मैंने यहाँ से ओपन किया हूँ पूरा, दो केबल देखो यहाँ लगा हुआ है। जैसे ए बी आता है इसमें, ए बी मतलब कौन से केबल किधर लगता है वो बताऊँगा। और पहले आप देखिए, आप भी अभी यहाँ से आगे से भी देखिए ओपन है। ओपन होने के बाद आप सोचोगे कि मैं केबल निकाल दूँगा या इसका पीछे का साइड के खोल के भी निकाल दूँगा। ऐसे केबल आप निकालने जाओगे तो केबल आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें ये देखिए दोनों केबल लगा हुआ है, केबल हो गया है जाम। जाम की वजह से केबल चेंज हो रहा है, क्योंकि पूरा फुल जाम है इसलिए नया केबल डाला हुआ, केबल कोई टूटा हुआ नहीं है। अब इसमें अगर आपको समझ लो केबल चेंज करना है, केबल निकालना है, जिससे नया बंदा कोई रहेगा नहीं मालूम है, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, हमारा वीडियो थ्रू से वो काम कर सकते हैं। अभी ये देखिए अभी दोनों लगा हुआ है, दोनों निकालना, कोई भी एक केबल निकालने जाओगे नहीं निकलेंगे। देखिए इसमें दो आपको दिख रहा होगा, इधर एक और दूसरा भी दिख रहा होगा। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। ये आपको मैं पीछे ले गया हूँ, पीछे ले जाने के बाद यहाँ एक देखिए नट लगा हुआ है, देखिए ये आपको पाना लगा दिखा दे रहा हूँ मैं। इसमें ये 12 नंबर का देखिए पाना है, तो इसको यहाँ से पूरा ढीला कर देना चाहिए। ये देखिए अभी थोड़ा सा मतलब ढीला हो चुका हुआ है, इसको थोड़ा बाहर लेना चाहिए। बाहर की तरह आपको दिखा रहा हूँ मैं, अभी यहाँ से ढीला हो चुका हुआ। ढीला होने के बाद आपको क्या करना है, पकड़ से हाथ से इसे निकलता होगा, निकाल लेना चाहिए। ये थोड़ा देखते खाचा बना उसमें बैठा हुआ रहता है, देखिए ये निकल चुका है। निकलने के बाद आपको देखो एक ये समझ लो निकल चुका हुआ है, ये देखिए जैसे इसको निकाल लिया एक निकला हुआ है। अब आगे आपको दिखा रहा हूँ मैं, अब मैं आगे आपको वापस रिटर्न लेके आया हूँ। ये देखिए एक केबल निकाल चुके हुए हैं पीछे से, अभी दूसरा केबल देखिए बहुत ईजी से यहाँ से, ये देखिए केबल ये निकल चुका हुआ है। अब दूसरा केबल भी आपको निकालना है, तो देखिए ईजी से इसको थोड़ा बाहर देखो उल्टा घुमा दिए तभी भी ये निकल जाता है, देखो ये निकल गया हुआ है। अब इसमें केबल आपको बताने जा रहा हूँ, ए और बी, एक मतलब होता है जैसे आगे वाला है इसको बोलते हैं, जो इधर बाजू में है उसको बी बोलते हैं। आपको केबल भी बता दे रहा हूँ, कौन से केबल कैसे आता है वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको। केबल में अलग अलग है, इसका फिटिंग अलग होता है, इसका फिटिंग अलग होता है। तो इसका जो बता रहा हूँ फिटिंग करने का तरीका, पहले आप इसको ओपन कर दे रहा हूँ। इसको में 14 नंबर का पाना लगता है, 14 नंबर पाना लगाने के बाद आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसको बहुत ईजी से बाहर निकलता है। ये देखिए एक तो एक केबल निकालने के लिए देखिए एक केबल है, अभी इसमें ये देखिए ये वाला केबल आप देखिए कैसे है। इसका जो नट होता है देखिए फ्री है इधर जो इसमें लगा हुआ था, ये देखिए, और दूसरा जो नट लगा हुआ रहता है उसको आप देखिए, इसको अगर आप ऐसे बाहर निकालने जाओगे बाहर नहीं निकलता है, इसको घुमाना पड़ता है, इसको घुमा के इसको निकालना पड़ता है। ये देखिए अभी ये दोनों केबल निकल गया हुआ है। सबका फिटिंग करने का तरीका अलग अलग होता है, हम लोग क्या करते हैं इसको रस्सी से बांध के इसे निकालते एक एक करके सबका। हमारे भी और दूसरा एक वीडियो बनी है स्केलेटर केबल डालने का, कैसे डालने का तरीका होता है। इसमें मैं एक रस्सी बांधूंगा, रस्सी बांध के केबल निकालूंगा, मैं दूसरा केबल इसमें जैसे मैं लेके करके इसे दोनों केबल मैं यूज़ करता हूँ पूरा ओपन। जैसे अभी देखो इस तरह मैंने पूरा इधर ओपन किया हूँ और
आप पीछे तो दिखा दिया आपको, यहाँ भी ओपन ऊपर ओपन नहीं किया हूँ अभी, यहाँ यहाँ से ओपन किया हूँ कभी इधर से, नए अगर नहीं जाता केबल तो उसके थ्रू से मैंने कि हाथ भी जा सकता है अंदर, तो इसके लिए मैंने क्या किया हूँ, यहाँ भी थोड़ा सा एक साइड कवर का ओपन किया हूँ लेफ्ट साइड का। अभी केबल दिखा रहा हूँ आपको, अभी इसमें देखो मार्किंग पेन से लगा हुआ है, कभी इसे मतलब लिखा हुआ, इधर भी देखो यहाँ भी लिखा हुआ, देखिए ए और दूसरे में यहाँ भी लिखा हुआ है बी। अब इसका प्राइस आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए प्राइस इसका है ना, तो हमारे पास कमांड आ जाता है बोलता सर उसका प्राइस क्या है, 249। इसका भी प्राइस सेम है। अब केबल जो होता है, केबल कौन से इधर बैठता है देखिए, ये जो केबल होता है इधर इसका पार्ट के इसको दिखाते ओपन करके, ये देखिए जो होता है एक्सीलेटर केबल, ये आगे लगता है सबसे जो फर्स्ट नंबर है उसके उस उधर लगता है केबल, ये बैठता है दूसरा वाला केबल ये पीछे बैठता है। आप बहुत ईजी से ऐसे इसको ओपन करके फिटिंग कर सकते हो, और फिटिंग करने का जो तरीका है मैंने ओपन जैसे किया उसी तरीका आप इसको फिटिंग कर सकते हो। देखिए रस्सी यहाँ से फिटिंग हो चुका हुआ है, अब नीचे आपको दिखा रहा हूँ किधर से, अब यहाँ भी ओपन हुआ है। अब यहाँ से जो केबल होता है इसको देखो यहाँ फंसा हुआ है, देखिए ये देखिए इसके जो नीचे होता है यहाँ से आपको एक एक केबल से निकालना पड़ता है, देखिए ये देखिए यहाँ भी है, इसको इजी से केबल के थ्रू से, अब ये देखिए ओपन कर चुके हुए हैं, एक केबल समझ लो यहाँ से आ चुका हुआ है, देखिए ये पीछे जा चुका हुआ है, और केबल देखिए बैठाने के थ्रू कैसे बैठता है, देखिए केबल यहाँ इसके जो नीचे होता है ये देखिए, अब ये देखिए केबल दूसरा, अभी वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, अब ये दूसरा केबल है, ये भी केबल इसके थ्रू से निकलता है। रस्सी से बांधने से क्या होता है, जिधर से केबल आया हुआ रहता है कंपनी की तरफ से, जैसे कंपनी फिटिंग किया रहता है उसी तरीका इसको भी फिटिंग कर देते। अब ये देखिए आपको पता है, अब ये रस्सी देखिए, रस्सी से बांधा हुआ है देखो केबल, हम लोगों ने यहाँ से वापस ही देखिए, अब इसको ऊपर ये ले लेंगे, देखिए ऊपर चले जाएगा केबल, ये देखिए, अब ये दूसरा केबल देखिए, ये दूसरा केबल लगा रहे हैं, एक दूसरा केबल देखिए चाहे आगे चुका हुआ है। अब इसमें जो फिटिंग होता है, फिटिंग देखिए ऐसे वापस था इसको उसी तरीके इसको फिटिंग कर देना चाहिए, अब ये केबल देखिए वापस जैसे आपको दिख रहा होगा, देखो पूरा बड़ा हुआ परफेक्ट बैठ गया हुआ है। इसी तरीका जब केबल आप नया यूज करोगे तो इसको थोड़ा ओपन करना पड़ता है, अब वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है पूरा ओपन करना है या दो स्क्रू ओपन करना है वो आपके ऊपर है। कवर ओपन करोगे और इधर बैटरी का जो कवर आता है ओपन करोगे, यहाँ का देखिए बोल्ट आता है एक, और साइड का ये ओपन करोगे तो बहुत ईजी से गैप हो जाता है, गैप के थ्रू से आप बैठा सकते हो इसी तरीका केबल नया। अभी आप मैं आपको ये जूना केबल दिखा रहा हूँ और ये नया केबल दिखा रहा हूँ। हमारे पास जो लड़का काम करने वाला वो भी पूछ रहा है कि ये किस लिए बदली हो रहा है, और जो पीछे बाजू वायर है वो भी आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आपको आगे दिखाए थे, अब ये पीछे दिखाए थे, ये पीछे भी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ भी केबल बराबर है, देखिए बराबर है, टूटा उट नहीं है, और जाम भी ज़्यादा नहीं है, देखिए एकदम फ्री है, दूसरा वाला भी फ्री है, ये देखिए। तो एक किस लिए केबल चेंज हो रहा है, केबल इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि इसका जो ऊपर का, इसको हम लोग बोलते हैं सिलू, सिलू मतलब क्या है, इसमें जो स्प्रिंग आता है स्प्रिंग, ये क्या हो गया बड़ा, और ये अंदर का जो इनर होता है इसको हम लोग केबल बोला, इनर बोला जाता है, हम लोग इनर बोलते हैं स्कूटर में जो लगता है, ये हो गया हुआ छोटा, तो इसके वजह से जो स्केलेटर होता है जाम होता है। इसको जैसे कट करके या सेटिंग करके देखिए, यहाँ से सेटिंग नहीं है, आपको दिख रहा होगा इधर, ये देखिए यहाँ भी कहीं से सेटिंग नहीं है, और ये दूसरा वाले में केबल कहीं से सेटिंग नहीं है, तो इसमें सेटिंग नहीं कर सकते। और दूसरा आगे भी बता दे रहा हूँ, ये पीछे बाजू वाला है, अब आगे बता रहा हूँ आगे का, ये देखिए जितना सेटिंग होना चाहिए उतना सेटिंग पे हम लोगों ने कर चुके हुए हैं, तभी भी केबल जो होता है स्क्रेटर तभी भी जाम था,
तो इसका जो कटिंग करके नहीं कर सकते तो इसलिए इसका जो केबल होता है चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एस्केलेटर जब वापस रिपीट कराओ, एस्केलेटर जब केबल जाम होता है, जाम भी नहीं है और एक कहीं से समझ लो वायर कटा हुआ भी नहीं है, खाली इसके लिए बदली हो रहा है क्योंकि जो अंदर का इनर वापस बता रहा है, ये अंदर का समझ लो छोटा हो गया है, ये बाहर का बड़ा हो चुका हुआ है। तो इसका कटिंग करके अगर बनाने जाओगे तो आप बना सकते हो, तो बना सकते, क्योंकि कटिंग करने के देखो जगह नहीं है कहीं से भी, कोई मैकेनिक है बना भी सकता है। मैं तो अभी जो कस्टमर बोलता है भाई पूरा नया डाल दो, कि नया डालने से ये रहता है कि केबल जल्दी ख़राब नहीं होता है, नया ओरिजिनल कंपनी का रहता है तो बहुत टाइम तक ये चलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा। ये केबल वापस अभी तो मैंने आपको ओपन करने में बताया था, अब इसको फिटिंग करने में बता रहा हूँ। ये देखिए एस्केलेटर का, यहाँ देखिए एक ये दो खांचा है, अभी आपको कैसे बैठाना है, आपको बैठाने का तरीके बता दे रहा हूँ मैं। ये देखिए इसको क्या करना चाहिए, आपको ऐसे घुमा देना चाहिए, देख लीजिए ये घूम गया, घूमने के बाद इसमें एक फिटिंग हो गया, एक देख लीजिए एक फिटिंग हो गया। फिटिंग होने के बाद इसको क्या करना चाहिए, वापस इसको ऐसे घुमाना चाहिए और ये केबल को ये देखिए ये बाहर आ गया। बाहर आने के बाद इसको क्या करना चाहिए, जो खांचा है अंदर ये देखिए, ये खांचे के थ्रू से इसको यहाँ से ये देखिए खांचे में बैठ गया, ये देखिए यहाँ से अब क्या करना चाहिए, जो पीछे का है वो पीछे का आपको लेना है। अब ये केबल देखो यहाँ फिटिंग कर चुका हूँ, थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है, ये क्या करना चाहिए लगाने पहले थोड़ा सा इसको अंदर जो है थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, फिर यहाँ से कभी कभी थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है। अभी इसको मैंने थोड़ा सेटिंग किया हूँ, नहीं तो एस्केलेटर जो आप सोचोगे फ्री नहीं होगा। ये देखिए अभी एस्केलेटर केबल यहाँ आपको दिख रहा होगा मुट्ठे के पास, ये देखिए ये बराबर देखो परफेक्ट रिटर्न आ रहा था, ये एस्केलेटर बहुत जाम था इसलिए देखो अभी देखो बराबर आ रहा, आपको साउंड भी सुना रहा होगा, खट खट आवाज़ भी आ रहा है, तो इसका जो रिटर्न जा रहा है उसके लिए आवाज़ आ रहा है। इसी तरीके आप इसको फिटिंग कर सकते हो 6G गाड़ी जिसको बोलते हैं BS6।